नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज आप और हम अगर किसी फील्ड में हैं और उसी फील्ड में हमारा कोई कंपटीटर आ जाता है तो सोचिए हमें शायद कहीं कहीं तकलीफ भी होती है कि यार हमारे फील्ड में एक नया बंदा आ गया है, अब हमें सचेत रहना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मामला कुछ और है। दोस्तों सन 1973 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, मेरे गरीब नवाज। दोस्तों उस फिल्म का एक गाना था, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। वो गाना कुछ यूं था दोस्तों, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए, फिर भी वो एक बार ना आए चले गए। दोस्तों ये गाना जब पहली बार रफी साहब के कानों में आया, यानी कि जब उन्होंने पहली बार इस गाने को सुना, और जाहिर सी बात है दोस्तों कि फिल्म की रिलीज़ से पहले गाने रिलीज़ होते हैं, और गाना रिलीज़ होते ही जैसे वो शुरू हुआ गाना और सुनाई देने लगा लोगों को, तो दोस्तों जब पहली बार रफ़ी साहब ने ये गाना सुना तो वो चौंके और सोचने लगे कि यार ये गाना जो है मैंने कब रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने पूछा अपने असिस्टेंट से कि तुम्हें ध्यान है कि ये मैंने गाना कब रिकॉर्ड किया? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये गाना तो आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो दोस्तों तब उन्हें पता चला कि ये गाना एक नया लड़का है जिसका नाम है अनवर हुसैन, और मेरे गरीब नवाज फिल्म का ये गाना है, और ये जो है इंडस्ट्री में एक नई आवाज़ आई है। अब दोस्तों रफ़ी साहब का मतलब चौंकना तो स्वाभाविक था कि यार सेम टू सेम और हूबहू मेरी ही आवाज़। तो दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि रफ़ी साहब की जगह अगर कोई और होता तो दोस्तों टेंशन में आ जाता कि यार बिल्कुल सेम मेरी ही जैसी आवाज़, अब मेरा क्या होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ रफ़ी साहब के रिएक्शन कुछ और थे और रफ़ी साहब की सोच कुछ और थी। वो बहुत खुश हुए दोस्तों कि यार, और कहने लगे लोगों से कि यार चलो कोई तो है इंडस्ट्री में जो मेरी आवाज़ को आगे बढ़ाएगा, मेरे मरने के बाद कम से कम लोगों को मेरी आवाज़ से महरूम तो नहीं होना पड़ेगा, और जो नए गाने बनेंगे तो मेरे इंतकाल के बाद ये गाने, ये आवाज़ जो है चलती रहेगी। तो दोस्तों इतने महान थे हमारे रफ़ी साहब। दोस्तों रफ़ी साहब का जब इंतकाल हुआ था तब दोस्तों आप और हम तो रोए थे, मतलब देश की जनता तो रोई थी दोस्तों। और दोस्तों क्या बताऊं, आसमान भी रोया था। दोस्तों जिस दिन रफ़ी साहब की डेथ हुई थी उस दिन सुबह से लेकर रात तक मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी, और उनका जनाजा जब रुखसत हुआ तो दोस्तों वो बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, और दोस्तों उस दिन पूरा मुंबई बंद था। तो आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि एक ऐसे महान गायक जो दूसरों की तरक्की से भी खुश हुआ करते थे, और कभी मतलब उनके मन में ये रंज नहीं आया कि ये नया आ गया तो अब मेरा क्या होगा, और वो आ गया तो मेरा क्या होगा। नहीं दोस्तों, बल्कि वो जितने भी नए सिंगर इंडस्ट्री में जाते थे तो दोस्तों उनसे कोऑपरेट किया करते थे, सिखाया करते थे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे होता है, ऐसे गाओ। दोस्तों आज के ज़माने में है ऐसा? नहीं, शायद अब नहीं है। वो पहले की बातें कुछ और थी दोस्तों, पहले के लोग कुछ और थे, पहले के कलाकार कुछ और थे, बहुत महान लोग हुआ करते थे दोस्तों। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मैं थोड़ा बस रफ़ी साहब के विषय में कुछ सोच रहा था, क्योंकि दोस्तों मैं पहले से सोच करके नहीं बैठता कि मैं क्या बोलूं आपके सामने और कौन सा विषय लूं, लेकिन दोस्तों बस यूं ही जब आ जाता है दिल में तो मैं कैमरा ऑन कर देता हूं, और मैंने आज भी वही किया। रफ़ी साहब का जैसे ही मुझे ख्याल आया तो मैंने कहा चलो आज रफ़ी साहब के शान में कुछ
बात बता देते हैं। और दोस्तों अनवर के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, आगे एक अलग एपिसोड बनाऊंगा। वो भी काफ़ी अच्छे गायक थे, लेकिन दोस्तों उनका पतन किस तरह हुआ और जिस तरह से वो रफ़ी साहब की आवाज़ लेकर के आए थे इंडस्ट्री में, लेकिन दोस्तों उस लिहाज से वो सक्सेस नहीं हुए। क्या था दोस्तों उनका फैक्ट्स और क्या था मतलब उनकी, तो मैं आपको वो बाद में दोस्तों कभी एक अलग एपिसोड बना करके जो है मैं आपको सामने पेश करूँगा। तो तब तक दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।